हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटर की क्लासेस, जिसमें मैं आपको 3100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है ना, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज टाइप के हैं, और इसके पहले मैंने 477 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, जो हमारी लाइंस जो होती हैं इस टाइप की, किस कोई भी प्रोडक्ट पर कोई भी सामान खरीदते हैं अक्सर हमने देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे बार कोड्स होते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, माइकर का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, बैंकों में जो चेक और ड्राफ्ट होती है उसमें माइकर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है, या माइसीआर जिसे माइकर कहते हैं, माइकर में सी का पूरा नाम क्या है? तो माइकर में सी का नाम, या तो सी का मतलब क्या है, तो माइकर में सी का मतलब है कैरेक्टर। ठीक है, क्या है, कैरेक्टर। अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि माउस को क्या कहा जाता है, मतलब माउस को और क्या कहा जाता है, माउस जो है वो क्या है। देखो, माउस तो हमारा इनपुट डिवाइस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पत्रिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है, OMR का। किसका, OMR का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? तो स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट जो होता है वो हमारा होता है मॉनिटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो हमारा सीरियल प्रिंटर होता है। क्या होता है, सीरियल प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? तो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान उपरोक्त सभी से की जाती है, मतलब डॉट पिच से भी की जाती है, रिफ्रेश रेट से भी की जाती है, रिजोल्यूशन से भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, से गेम्स खेलना आसान होता है, किससे गेम्स खेलना आसान होता है, जॉयस्टिक से। तो जॉयस्टिक से गेम्स खेलना आसान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है, हाँ ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 488 नंबर का। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त, ठीक है, प्रिंटर है। तो कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर जो है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, देखो, कार रीडर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क टर्मिनल, ये सारी जो है हमारी इनपुट डिवाइसेज हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो हमारा है, आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आउटपुट देखने के लिए हम मॉनिटर का प्रयोग करते हैं, और ये कीबोर्ड, स्कैनर और माउस, ये जो हमारी हैं इनपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो मूल रंगों की बात की जाए तो उनकी संख्या होती है 3। कितनी होती है, मूल रंगों की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है? तो लेज़र प्रिंटर में देखो, लेज़र बीम का भी प्रयोग होता है, प्रकाशी ड्रम का भी प्रयोग होता है, अवेसी स्याही टोनर का भी प्रयोग होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? तो वर्तमान में जो प्रचलित कीबोर्ड है उसमें 101 कीज होती हैं। कितनी कीज होती हैं, 101। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ये मॉनिटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे ये जो हैं इनपुट डिवाइसेज हैं। तो मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, उपकरण जो की को स्क्रीन पर प्रिंट द्वारा कागज पर छाप कर किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आउटपुट उपकरण। क्या कहलाते हैं, आउटपुट उपकरण।
ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। आपको बता दें हमारे चैनल पे यूपी टेट सी टेट की क्लासेस हो रही हैं, संविधान की क्लास हो रही है, एनसीईआरटी की क्लास हो रही है, करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है, कई सारी क्लासेस हो रही हैं। अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको बता दें अगर आपको आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके पास में लगे बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियोज़ पहुँचें। और आपको ये तो पता ही होगा, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में किसी तरह का कोई पैसा नहीं कटता है, ठीक है ना, कोई पैसा नहीं पड़ता है, बिल्कुल फ्री है। तो आप प्लीज़ ये करके ही जाइए, ठीक है ना, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।